एक मिनट में खत्म हो जाएगी, एक घंटे का वेट करिए, एक घंटा वेट करिए, 3 बजे तक का वेट करिए। जो लोग अराजकता फैला रहे हैं आप खुद उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको यहाँ से निकालिए। आप लोग खुद ये काम कर सकते हो। आप लोग प्लीज पीछे वाले जाइए मत, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जाइए मत, 3 बजे तक का वेट करिए, 1 घंटे का वेट करिए प्लीज। पीछे वाले प्लीज जाइए मत, किसी के बहकावे में मत आइए, यही रुकिए, 1 घंटे का समय है हमारे पास, यही रुकिए प्लीज। लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों प्लीज, किसी प्रकार की अराजकता ना फैलाएं प्लीज, यही रुकिए। ठीक है दोस्तों, भाषण कर भाषण, लोग यहाँ से ना खुश होकर जा रहे हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि सबके लिए इन्फॉर्मेशन पहुँच सके लाइव पेज की। मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था इसलिए मुझे कुछ टाइम लगा रिचार्ज करवाने में, यहाँ पर 100 नहीं मिले मेरे को, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों प्लीज। मैं दूसरे की गारंटी नहीं लेता, मैं अपने अलावा के भाइयों गारंटी लेता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है, अलावा की तरह के हाथ उठा दीजिए भाइयों। हम लोग जैसा कि लोगों ने बोला है, मैं दूसरों की बात नहीं जानता, जैसा कि लोगों ने बोला है 1 घंटे तक हम लोग वेट करेंगे, 1 घंटे तक वेट करेंगे, जयपुर के भी लोग डिसाइड कर लेंगे, 1 घंटे तक वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है। बार बार ये नहीं जीतने की मिलती है, मैं सबको जयपुर का लड़का मिलेगा। मैं बहुत 16 तारीख को भी देख चुका हूँ और मुझे ये डरने की मुझे जेल भेजा क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरे अलावा भाइयों जितने भी हैं सब पहचानते हैं, दिल्ली के भी भाई जानते हैं, मुझे जयपुर भी जानते हैं। मैं क्या जानता हूँ, आप लोग अभी कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग अभी कुछ भी भाइयों मत कीजिएगा, और 1 घंटे तक वेट करते हैं। प्रशासन इतना बेवकूफ नहीं बना सकती है, 1 घंटे तक हम लोग बेवकूफ बनेंगे, 1 घंटे तक उसके बाद मिल के निर्णय लिया जाएगा क्या करना है। मुझे सुबह से भी भेज रहे थे, शेयर करो राहुल गांधी आए थे यहाँ पे, मैं लड़कियों को वहां पे जान बचाने में आकर मैं राहुल गांधी को देख नहीं पाया, क्यों? मैं मेरी बात मैं ज्यादा बोलने में नहीं रखता। 1 घंटे तक हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद स्टेज पर किसी की बात हम लोग मानेंगे नहीं। ये सबकी इंडिविजुअल, ये सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा। जो हल्ला नहीं कर सकता यहाँ से उठ कर चला जाएगा, इस बात में जाओ। लेकिन एक बात है भाइयों, अलाहाबाद के भाई चाचा फिर भाई सबसे मेरा प्यार है, दिल्ली के भाई सबसे प्यार है, आप लोग सहयोग, किसी की जान हमारी है, सिर्फ एक नौकरी के लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी भर हमको गलानी सहनी पड़े। 1 घंटा तक वेट किया जा रहा है, शेयर कीजिए, देखो एक घंटे बाद मार तो होगा, जल्दी से जल्दी सबको अपने साथ जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि भी प्रोत्साहन जिंदा है।
व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए दोस्तों। भाई मेरा नाम है रोहित कुमार, हेलो जयपुर वाले भाइयों, हम एक घंटे तक इंतजार करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट्स हम दो डांस के आप वही करेंगे। एक बजे मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं विश्वास से पीछे नहीं हटने वाला, जो काम के आए वो करेंगे, सबकी व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी होगी। और एक घंटे तक अगर कोई सीओपीटी से या फिर गृह मंत्रालय से कोई भी नहीं आता है तो हम लोग मार्च के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है भाई। तभी तक मैं लाइव हूँ, दिक्कत मत ले भाई। मेरा नाम अजय मिश्रा है, मेरे पटना से आया हुआ हूँ। इतने पटना के भाई लोग हैं, सब लोग मुझे जानते हैं। भाई लोग एक घंटा और वेट कीजिए, आप लोग जो लोग आप लोग जा भी रहे हैं प्लीज लौट के आइए, मेरी बात मानिए भाई। सब लोग साथ निकलेंगे तो उसका परिणाम और बढ़िया होगा। प्लीज आप लोग लाइक और शेयर करो, आप एक हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं पटना और राजस्थान और कहीं भाई लोगों, प्लीज भाइयों सारे भाइयों तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। नहीं दोस्तों, हमने यहाँ पर जहाँ भी लोगों की बातों में नहीं आएगा, 480 घंटे वेट किया है, ऐसे सब क्या हमें वेट नहीं कर सकते। अभी अभी मुखर्जी नगर से बात हुई है, वो आज से 10 बजे 10 बसें आने लग रही है हमारे यहाँ पे। अभी 10 बजे अभी बच्चों की 10 बजे अभी 10 बसें और बरकरार रही है दोस्तों, बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हमने एक घंटा टाइम दिया है प्रशासन को, एक घंटे के बाद दोस्तों आप वीडियो को शेयर करो दोस्तों, सभी साथियों से आग्रह करना चाहिए। हमारे स्पोर्ट्स मीडिया है, सोशल मीडिया हमारे किसी के साथ आए तो बता रहा है, मीडिया हमारे तो साथी ये दबा रही है, वो हमारी बात तो साथी पीछे जा रहे हैं, जहाँ तक एक बार में रिवाज आ रही है, एक बार एक घंटे और प्लीज वेट कर लो। साथियों मेरा व्यक्तिगत फैसला ये है, मैं एक घंटे के बदले 2 घंटे समय देता हूँ। नहीं आता नहीं फैसला, सब लोग जितने भी भाई हैं सब लोग जिस चीज ने शेयर कर दिया हो कमेंट में शेयर लिखो दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सके किस भाई ने शेयर किया है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कोई ऐसा ना करे प्लीज, इस मंच की गरिमा को बनाए रखें। जितने भी लाइव देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दो दोस्तों, के लिए आए हैं हम, ऐसा कोई भी प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज शांति से बैठे रहिए, एक घंटा और हम यहाँ पर बैठेंगे, एक घंटा और इंतजार करेंगे। हमने इतने घंटों इंतजार किया है, इतने दिनों तक इंतजार किया है, इस आंदोलन को जारी रखा है। एक पौधे को जैसे पाला जाता है उसी तरह से हमने इस आंदोलन को पाला है, हम इसको 1 मिनट के अंदर तहस नहस नहीं कर सकते। जिसने शेयर किया मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, सोशल मीडिया हमारा एकमात्र सहारा दोस्तों इस टाइम पे। लेकिन बसें और बरकरार रही, कुछ लोग आ रहे कह रहे हैं कि इलाहाबाद के बच्चे, सब पेशेंस बनाए रखो। लेकिन कुछ लोग आ रहे कह रहे हैं इलाहाबाद के बच्चे, जयपुर के बच्चे, बिहार के बच्चे, तो पटना के बच्चे, भाई बच्चे तो बच्चे हैं, सबकी मांगे एक ही है बस, तो हमें एकजुटता दिखानी है। हाँ भाई जब तक, और निश्चित रूप से हमारा ये आंदोलन सफल होगा, क्योंकि सारे बच्चों ने हल्ला बोल का प्रावधान किया था कि 31 मार्च की डेट तय की गई थी कि हम लोग हल्ला बोल करेंगे, और जो बच्चे जा रहे हैं वो आ जा प्लीज, जो बच्चे जा रहे हो प्लीज आ जाए, और हमें इस आंदोलन को असफल नहीं बनाना है। निश्चित रूप से इस आंदोलन में बच्चों की आत्मा जुड़ी है और प्रत्येक बच्चे का नैतिक कर्तव्य है कि इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाए। और जैसा कि यहाँ की टीम है, इन्होंने बताया कि 1 घंटे का हमें समय मिला है, 1 घंटे में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो हम ही चाहते हैं कि जो रिजल्ट आए भाई वो लिखित रूप से आए। तो
बच्चे प्लीज आप लोग आ जाएं, जो बच्चे वहां बैरिकेडिंग के पास खड़े हैं हमारी आवाज वहां पे पहुंच रही होगी। ये पूरे देश के सम्मान की बात है, युवाओं के सम्मान की बात है, और आप याद रखिएगा इससे बड़ा आंदोलन कभी हो नहीं पाएगा अगर आज हमारी बातें नहीं मानी गई तो। इसी प्रकार से पिसते रहेंगे आप लोग और ये हमारी नौकरियां बिकती रहेंगी। ये भ्रष्टाचारी हमारा 10+2 MTS तक के पेपर को नहीं छोड़े हैं। अरे MTS तक का हम लोग चपरासी बनने वाला पेपर भरते हैं, वो चपरासी भरने के पेपर को भी इन्होंने बेच दिया। अब इससे और ज्यादा हम लोग क्या उम्मीद लगाए। तो मैं प्लीज भाइयों से अपने रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे जा रहे हो प्लीज वापस आ जाए, जो बच्चे जा रहे हैं वो प्लीज वापस आ जाए, बैठ जाए, अपने इस आंदोलन को सहभागिता दें, निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सफल होगा। और जो बच्चे इंडिया गेट की तरफ जा रहे हो प्लीज आ जाए, ना जाए ठीक है, बच्चे आ जाए प्लीज। आप सब वहाँ पे कोई डेलीगेशन टीम के मेंबर होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज, ये देखिए पूरे देश के सम्मान की बात है और पूरे देश का ये जो बच्चे आए हैं बेरोजगार, इनकी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमें नौकरी चाहिए। और जो बच्चे वो रास्ता ना रोके प्लीज आ जा, रोड जाम ना करें आप लोग, आ जा बच्चे ठीक है। सारे बच्चों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, देखिए हम सरकार से क्या चाहते हैं भाई कि जो हमारा एग्जाम हुआ जो प्रक्रिया है इसकी CBI जांच करा दो। और हम कौन सा मांग रहे हैं, चावल दाल रोटी सब्जी हमें रोज ला के खिलाओ, हम तो खुद मेहनत करना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हमें रोजगार प्राप्त हो जाए। मुझे कोई भी नौकरी नहीं चाहिए, शांति से क्योंकि मैं सिविल के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही, वो जोश नहीं दिख रहा, जिस जोश के साथ आप बोल रहे थे मार्च करने है ना, वो जोश नहीं दिख रहा। इस जोश के साथ आप मार्च निकालोगे, इस जोश के साथ ईव काट ले मार्च को। जितने भी लोग जा रहे हैं प्लीज एक घंटे का हमने इस टाइम लगभग 200-150 इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद जो आपको करना है वो करिए, फैसला करेंगे सब बैठ के, रणनीति बनाएंगे। भाई मुझे नहीं लगता 130 में कुछ होगा, बहुत कम 130। घंटा इंतजार करिए प्लीज, जाइए मत, जो लोग जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ वो लोग प्लीज रोड जाम मत करिए, प्लीज वापिस आ जाइए। भाई जो ये आंदोलन है दो गुटों में बट गया है, एक गुट यहाँ पे एक गुट यहाँ से निकल चुका है, तो हम आपसे अफवाहों पर ध्यान मत दो, हमें आंदोलन को शांतिपूर्वक करना है। प्लीज यार, अरे जो भी काम करें समझदारी से करेंगे, यहाँ पे ऐसे नहीं कि कोई भी यहाँ पे नेता खड़े हैं, यहाँ पे कोई नेता नहीं है, हम लोग यहाँ पे सब लीडर है, सारे लीडर यहाँ पे सारे कोई, और सब यहाँ पे समझदार है, सब यहाँ पे ऑफिसर है, सब पढ़े लिखे घर से हैं कि नहीं, नहीं दोस्तों सब सब हैं, निकल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ समझदारी कर रहे हैं यार, आओ यार सब मिलके काम करते हैं, आओ यार हम सबको मिलजुल के काम करते हैं यार, ये एक की लड़ाई नहीं है, ये समझदारी की लड़ाई है, अगर नहीं समझोगे आप तो फिर कब सीख के प्रिपरेशन आपका कुछ हो सकता है। देखिए मेरे भाई एक घंटे में 17 मिनट हो चुके थे, मेरे भाई ने बोला है, और हम लोग साथ मिल के अगर जाना होगा तो जाएंगे यार, क्यों नहीं जाएंगे, कौन मना करेगा हमें, कोई नहीं, 40 मिनट समझदारी से जाएंगे, समझदारी से सहमत से जाएंगे और एक साथ नारा लगाए जाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। ये डिपेंड करता है कि आपका मेंस कैसा आया है भाई, इंकलाब जिंदाबाद। मेरे दोस्तों हमें इसी समझदारी के साथ लड़ना पड़ेगा, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। देखो यूनिटी कब आती है, जब हम बात मानते हैं, यूनिटी कब आती है जब हम बात समझते हैं, यूनिटी कब आती है जब हम इनको बोलेंगे मेरे बहन थोड़ा चुप हो जा, मेरे भाई थोड़ा सुन ले, मेरी भाई हमें यूनिटी की जरूरत है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कोई भी डायलूट कर सकते हैं बट हम डायलूट नहीं होने वाले, आपका मुश्किल है, ये सबूत देंगे कि हमारे कैटेगरी कौन सी है, है। इसी नारे के साथ युवा हल्ला बोल, युवा हल्ला बोल, युवा हल्ला बोल, भाई आप मेरे को वहाँ की भी अपडेट देते रहो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक नारे में ताकत नहीं होगी तब तक हमारी जो डिमांड है उनके कानों तक नहीं पहुँचेगी, युवा हल्ला बोल। ये काउंट करने के बाद कितने बढ़ते हैं भाई आपके,
जनरल में जो होना मुश्किल लगता है आपका भाई, सॉरी आप माल मांगने के लिए जरूर आए हैं, लेकिन एक बात सोचना कि एक विद्यार्थी हम जो 10 घंटे टेबल पर बैठ करके लगातार एक कुर्सी पर पढ़ते हैं, आज 1 घंटे बैठने का आग्रह किया जाए। महाराज दोस्तों ये कह रहे कि एक घंटे बाद या तो DOPT से कोई सलूशन आ जाएगा, क्या सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे? लाइक करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जीके प्रिपरेशन। आप भाई यहाँ पर आओ तभी तो मार्च निकलेगा, इतनी कम जनसंख्या में हमारी कौन सुनेगा। लगभग यहाँ पे 150-200 बच्चे हैं। दिल्ली वालों को एक मेरे बगल, दिल्ली वाला एक आ जाए मेरे बगल में, अंदर उन्होंने बता दो आना चाहते। देखो 16 तारीख को महिंद्रा स्टाइप से आया था, श्रीकांत सर के साथ आए थे और श्रीकांत सर सभी टीचरों की तरफ से आए थे इलाहाबाद। अब तब महिंद्रा स्टाइप सब हो गया था, इसके अगले दिन वो रात भी आते जिस दिन पढ़ाया जा रहा था, याद है? बाहर रहते महिंद्रा। कहाँ पे आए हुए दाम क्या दोस्तों, कौन सा आए हुए? आपने अल्लाह बोल में आर पार सारी चीजें लिखी है, देखिए पढ़ना वाले जीके प्रिपरेशन भाई आप सब लोगों गाड़ी मत दो यहाँ पे। पटना वाले घंटा दे चुके, लाइक एंड शेयर, जयपुर वाले घंटा दे चुके, इलाहाबाद वाले घंटा चुके। देखिए दिल्ली वाले क्यों गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली देखिए जब पेपर देते हैं 60 मिनट शुरू होता है, फिर आप सोचते हैं कभी कि तुम्हारा 60 मिनट आ जाए। मैं बता रहा हूँ 2:05 में यहाँ से ऐलान किया गया था कि 1 घंटे, 2:19 हो रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं पूरा। ये बात पेपर होता है 7 मिनट नहीं शुरू हो गई, हो गई। अब 2:19 हो, ये मान के चलिए 3:05, 3:05 वही समय होगा, न सेकंड यहाँ होगा न मिनट यहाँ होगा। अब दिल्ली कैसा कर ले कि हम सब लोग के साथ है या नहीं, बस भाई जो आंदोलन है दो गुटों में बट गया है, एक फ्री जोन के साथ है और कुछ यहाँ पे है। लाइक और शेयर करो दोस्तों। तो आप सभी से लाइक और शेयर करो, हमें आप सबके स्पोर्ट्स की आवश्यकता है। आई नीड योर सपोर्ट, हमारी शेयर कर दो दोस्तों, शेयर कर दो एक बार बात में। हम लोग पटना, बनारस, इलाहाबाद, हरियाणा, पंजाब, हम उसमें नहीं बटेंगे, हम इन चीजों में नहीं फंसेंगे, चाहे हम किसी भी जगह से हैं, हमारी मांग सिर्फ एक है, 3:05 पे जो आपको करना हो कर लेना, लेकिन सिर्फ 1 घंटा बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए प्लीज। हम ठीक है माइक दे रहे हैं, रुकिए ये बोल रहे हैं 3:05 पे आपको जो करना हो कर लेना, मेरी भी सुनिए, 3:05 तक पहले दिन से सुन रहे हो, अब थोड़ी देर और सुन लो। भैया जिस जोश से, जिस उम्मीद से, जिस डेडिकेशन से हम CGO कॉम्प्लेक्स बैठे थे, आज उसमें कमी क्यों दिख रही है? आज आप में क्यों भाई अपडेट ये है कि ये बोल रहे हैं 3:05 को आप यहाँ से सभी निकल जाएंगे मार्च के लिए, या सब अपने घर चले जाएंगे अगर DOPT का कोई आप शांति से बैठे रहिए इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो। केवल 1 घंटे का टाइम दिया गया अभी।
यहाँ बैठे हैं मैया। एक बार आप लोग नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई बहुत लोग पहचाने नहीं होंगे, बहुत लोग पहचान गए हैं। मेरे भी बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहा है और 10-20 साल से लगा हुआ है, बात दो नंबर और 3 नंबर के लिए रह जाता है।
भाई उनके अपडेट क्या उनके अपडेट दो मेरे को ताकि हम सबको उनके अपडेट दे सकें। हेलो भाई, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि हमारा एक ही राष्ट्र है। कभी इसमें अलग अलग आप बट रहे हो, पटना वाले ये करेंगे वो करेंगे, भैया सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। सभी हम इस देश के लिए आए हैं, देश के लिए आज सभी इकट्ठे हुए हैं। तो ये नहीं है कि हम पटना वाले अलग अपने ओपिनियन रखें, दिल्ली वाले अलग, सभी एक हैं, एक ही रहो, टूटो मत, ठीक है? धन्यवाद भाई, सब एक एक से खटे रहो, यही कह रहे हैं। भाइयों आपको मैं बता दूं कि पिछले 27 फरवरी से हम लोगों ने शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट किया है। आज जो है अगर हमारी बातें नहीं मानेगी सरकार, तो सरकार को भी अभी जो पिछले 6 सीटों पर हुआ था वो कटअप है, जैसे हमारा सीजीएल में कटअप आता है और वही कटअप रहेगा। भाई मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। हमारा एक ही नाम, मैं अपना नाम बताता हूँ इसलिए क्योंकि आप ही के बीच में आया हूँ और हमारा पहचान स्टूडेंट है। हमारी लड़ाई सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं मेरे भाई, लड़ाई हम युवाओं की लड़ाई नहीं, उस अभी जन्म भी नहीं लिए हैं उनकी भी फ्यूचर की लड़ाई है, इसीलिए आए हैं मेरे भाई। आए लड़ाई को पूरे इतिहास में लिखा जाएगा मेरे भाई, पूरे देश के कोने कोने से मेरे छात्र आए हुए हैं, मेरे भाई आए हुए हैं, मेरी बहनें आए हुए हैं। आज हमारे मम्मी पापा दाल चावल गेहूं सब भेज कर आंखों से आंसू बहा रही है। आप पूछती है बेटा कब पढ़कर आओगे, कब नौकरी लेकर आओगे। इन गद्दारों को पता नहीं है कि हम लोग इनकी करियर से खेल रहे हैं, इसीलिए मेरे भाई मैं आपसे नेता नहीं बनने आया हूं मेरे भाई, ना मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है मेरे भाई। और मैं साफ कहता हूँ यहाँ से अगर कोई पॉलिटिकल फेस बनेगा तो उसको हम मानेंगे भी नहीं मेरे भाई, ये बात कान खोल कर कोई सुन ले। इसलिए मेरे भाई आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम तक हम इंतजार करेंगे। और इन बता देते हैं कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ सुने होंगे डॉक्टर कैंची छोड़ देता है, क्यों छोड़ता है? सवाल यही है, आप जवाब देने का टाइम यही है मेरे भाई। हम पूछेंगे आप डॉक्टर कैसे कैंची छोड़ देते हो? आज ग्रेजुएशन की डिग्री मेरे भाई 5 साल में मिलता है, 4 साल में मिलता है। पूछेंगे कि आप MBBS की डिग्री दे रहे हो या ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हो? आप बताओ भाई, अपियरिंग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करता है, अगर यह अधिकार होता है अपियरिंग कैंडिडेट का कि फॉर्म फिलअप करने का। और बताओ अगर फॉर्म फिलअप करने का अधिकार है हमें, तो 4 दिन से अगर किसी का रिजल्ट लेट हो जाता है तो हमें फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया जाता है? आज तक जो है यहाँ से पॉलिटिकल बात हुआ, आज स्टूडेंट के हित में बात होगा और जो स्टूडेंट के हित में बात करेगा उसी की बात माननी होगी मेरे भाई। इसीलिए आप सभी भाइयों को मैं बता दूं कि पिछले हम लोगों ने पूरे हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर, जगह जगह से लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों को कोऑर्डिनेट करना शुरू किया था हम लोगों ने। यहाँ तक बैठे जितने भी भाई हैं सभी पे वो खून है, वही खून आक्रोश है। और बता दे भाई, आप लोग जानते होंगे कि पटना में कितनी मेहनत हुई थी इस आंदोलन को लाने के लिए मेरे भाई, आपको पता होगा। और इलाहाबाद में कितनी हुई थी, जयपुर में कितनी हुई, पूरे भारत के अंदर तक ये आंदोलन हुआ है मेरे भाई। तो सुन लीजिए, ये सोचते हैं सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, हमारे मम्मी हमारे पापा हमारे भाई सब वोट पर देने के लिए पैदा हुए और ये अपने बच्चे को सिर्फ सांसद और MLA बनाने के लिए बने हैं। इसीलिए मेरे भाई इनके कानों तक ये बात पहुंचा दो कि आपकी उम्र 65 साल हो गई है, 54 साल हो गई है और हम देश के युवा आपको गद्दी से उतारने के लिए भी तैयार है जब आप इसीलिए मेरे भाई मैं पूछता हूँ आप हमारी क्यों छीनते हो? यह स्टूडेंट का मंच है और इसका संचालन स्टूडेंट करता है और स्टूडेंट करेगा, ये भी बात कान खोल कर सुन लो। अगर हमारे बीच में कोई भाई आकर लीगल बात करेगा तो उसे बात करने का हक है और ये संवैधानिक हमारा अधिकार भी बनता है। इसलिए मेरे भाई अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ मेरे भाई, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम प्राउड टू बी अ स्टूडेंट। आप सोचते होंगे मेरे भाई, आप सोचते होंगे कि यहाँ तक जो बोलने वाला आया होगा वो अब पढ़ने लिखने वाला नहीं है। आज तक देश के जितने भी लोग सोचते हैं ये आंदोलनकारी लोग है,
ये पढ़ने वाले लोग नहीं है, इन्हें पता भी नहीं है आपको शायद की ग्रेजुएशन की डिग्री आप 5 साल में दे रहे हो, कितने स्टेप्स ऐसे है। ये यहाँ से राजनीतिक डिसाइड होता है, पूरा देश की राजनीति डिसाइड होती है। आपको मैं पूछता हूँ आप कब तक जवाब दोगे, या आप बताता हूँ बिहार में पटना एक जगह था मेरे भाई जहाँ एसआई का पेपर होने वाला था, 10 बजे से पेपर शुरू हुआ था, 9:30 बजे जो है पेपर का आंसर पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो गया, लेकिन इसका जवाब इनके पास नहीं था। आज ऐसे स्टेट्स कितने भी है, मैं पूछता हूँ सिर्फ ये करप्शन जो है सेंट्रल लेवल पर नहीं है। अगर हम आए हैं पहले लड़े थे घोड़ों से भाई, आज लड़ रहे हैं चोरों से, इसलिए आप भाइयों से निवेदन है जहां तक मेरी आवाज जाती है मेरे भाई, जो धूप में बैठे हैं, जो छाओ में बैठे हैं मेरे भाई, आपके हर एक एक खून का जो है आज इतिहास लिखा जाएगा, भारत के इस संविधान में आपका भी एक जगह होगा मेरे भाई, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन को कोई स्टूडेंट लीड कर रहा है, इसलिए ये बात समझ में आना चाहिए लोगों को। आज तक लोगों ने पॉलिटिकल भीड़ देखी है, लेकिन आज जो है दिल्ली की गलियों में स्टूडेंट का भीड़ जगेगा। और भाई जितने भी लाइव आ रहे हैं उन बच्चों को दिखा दो जो घर में अग्रवाल सर की मैथ बना रहे हैं और पैरामाउंट ये जितने भी कोचिंग की मैथ बना रहे हैं, लाभ हानि प्रॉफिट मेरे भाई अगर आप सॉल्व करोगे 80-85% लाओगे, 70-75% लाओगे, जिसको स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, जिसको आंसर मिल जाएगा, जो नेता के बेटे होंगे जिन्होंने पैदा ही एसी में लिया होगा मेरे भाई, वो तो 95% लाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वोट देने का सिर्फ अधिकार है, हमारे मम्मी पापा वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, अरे अपने बेटे को सांसद और एमएलए बनाने के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए मेरे भाई अब हद हो गई, अब बर्दाश्त करने की भी टाइम होती है, जितना टाइम दिया गया है उतना टाइम तक हम इंतजार करते हैं। आज हमारी कंडीशन ऐसी है मेरे भाइयों में, कितनी कंडीशन ऐसी है कि आज वो लोग जो है आज ग्लूकोन डी ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पाउडर ले रहे हैं, सबके अंदर जो है डिहाइड्रेशन हो गए, रोड पर बच्चे 27 फरवरी से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगते हैं हमारी पढ़ाई बर्बाद नहीं हो रही है क्या मेरे भाई? नहीं हो रही मेरे पढ़ाई, हम रोज फेसबुक और लाइव पे चेक कर रहे हैं देश में क्या हो रहा है, तो मेरे भाई लाइव दिखा दो उस बंदे को, मेरे भाई लाइव दिखा दो उस बंदे को जो दिल्ली के अंदर भाई पटना से लोग आ गए, इलाहाबाद से आ गए और कलकत्ता से लोग आ गए, मेरे भाई आप क्यों घर में बैठे हो, आप भी निकलो, आप भी आओ और आप भी अपनी हक की बात करो। आज जो है इतना ये हमारी करियर नहीं मेरे भाई, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है उसके भी फ्यूचर का करियर है, उसके भी उसका भी करियर है। आप सोच रहे होंगे, आज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ स्टूडेंट का हक है, मैं पूछता हूँ सर आप लोग वर्दी में आप इसका जवाब दीजिएगा, ये जो है एसएससी सीजीएल से बच्चा आईबीएनआईएस सीबीआई जैसे ब्रांच होता है और उस पोस्ट पर अगर बच्चा 35-40 लाख रुपया देकर पहुंचेगा, 35-40 लाख रुपया पहुंचेगा तो देश के साथ सिक्योरिटी के साथ गद्दारी करेगा कि नहीं करेगा, बताइए देश के सिक्योरिटी साथ गद्दारी करेगा कि नहीं करेगा मेरे भाई? अगर बम देश में विस्फोट हो रहा है तो हम कैसे माने कि ये लोग की सिर्फ आतंकवादियों की ही गतिविधि है? हमें तो लगता है कि कुछ इंटरनल भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 35 लाख देने वाले पहुंचे हुए हैं। इसीलिए मेरे भाई आज सर आप हम लोगों को हटाइएगा नहीं, अभी तक कोई यहाँ से पॉलिटिकल बात सारे कर रहे हैं, हम पूछते हैं हम नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, मेरा फेस नेता बनने के लिए नहीं है, आप मुझे नहीं दिखाना, आप मुझे टीवी पे नहीं दिखाना, नई चैनल पर दिखाना, दिखाना उसको जिसके बच्चे एसी में पैदा होते हैं, जो एमएलए और सांसद बनते हैं उसको जाकर दिखाना, क्योंकि आज तक का ये इतिहास रहा है कि लोग जो बच्चे हैं इन्होंने बोला है कि ये पॉलिटिकल बच्चे हैं। अरे भाई बच्चा पैदा भी होता है पॉलिटिकल कहते क्या? देश के जिनके पास जो है बच्चे ही नहीं रहेंगे वो बच्चे की दर्द क्या जानेंगे मेरे भाई? इसलिए आज तक मैं पूछता हूँ, अब मन की बात नहीं, अब दिल की बात करना होगा, और जो दिल की बात करेगा पूरा भारत के दिल की बात करेगा, वही भारत पर राज करेगा। और आपको बता दें आप मत डरना अपने घरों से, क्योंकि आज जो है यहाँ पर बैठा हुआ जितना भी दिल्ली में आया हुआ बच्चा है जो कहीं आंदोलन कर रहा है वो सब अपने घर का नेता है, ये मत कोई सोचे कि देश में सिर्फ हम ही नेता है, ज्यादा नहीं बोलेंगे मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यही तक चलते रहना मेरे भाई। आपके बीच में एक भाई में हेमंत भाई आ रहे हैं जो 20 दिन भी हमारे साथ वहां सीजो कॉम्प्लेक्स में था, 2 मिनट सारे भाई बरसात देना बहुत ही अच्छा
कविता लिखता हूं भाई। हेलो भाई, देखो जो ये जयपुर इलाहाबाद पटना उस पे सुन लो पहले तो, न किसी मजहब से आए हैं, न किसी प्रांत से आए हैं, मैं किसी मजहब से आए हैं, न किसी प्रांत से आए हैं, अगर तारो सुन लेना पूरे हिंदुस्तान से अरे बहुत हो चुका, तोड़ो जोड़ो एसएससी सीजीएल वालों को भगा दो, एमटीएस वालों को भगा दो, अरे वो और होंगे जो बिक गए होंगे रुपयों की तराजू में, वो और होंगे जो बिक गए होंगे रुपयों की तराजू में, हमारे सामने पलटा बस मौत का ही भारी है, बस मौत का हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता केंद्र में कोई भी हो, आप वो दिन गए जब आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हमको तोड़ देते थे, अरे मैं हमें दिक्कत श्रीराम से है और मैं हमें दिक्कत अजान से है, मैं दिक्कत श्रीराम से है, मैं दिक्कत अजान से है, दिक्कत है तो सीमा पर मरते जवान किसान ये कहता हूँ, विचार कीजिएगा इस बात पर कि किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, शिक्षक कहते हैं जिसे वो भगवान सड़कों पर है, सही बात है, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, शिक्षक कहते हैं जिसे वो भगवान सड़कों पर है, किस किस को गिनाऊं, आप खुद ही देख लो, आंखें खोल के देखो, आधा हिंदुस्तान सड़कों पर है, और जो लोग कहते हैं हमारे से प्रॉब्लम है, अरे आपको उनकी वादा खिलाफी तो दिखती नहीं, 16 को नोटिस डालने वाले थे, 31 मार्च हो चुका है, ऐसी कौन सी घड़ी है जिसमें अब तक 4 घंटे पूरे नहीं हुए, और जिन्हें दिक्कत है जिनके आंखों में हमारी एक चुभ रही है, मैं उन्हें एक सलाह देता चाहता हूँ, हमारी समस्या का समाधान तो हम ले लेंगे, और आपके लिए समाधान ये है कि आप स्वेच्छा से अपना नेत्रदान कर सकते हैं, और हमने आपको समय दिया है, बोलूंगा हर तरीके से, हम आपके साथ रहने को तैयार हैं, एक मिनट, अरे चंदा से शीतल भी है हम और दिल में अंगार है, चंदा से शीतल भी है हम और दिल में अंगार है, तुम बोलो कैसे लड़ना, हर हाल में हम तैयार है, आपकी फौज आपकी जंगे आपकी फौज आपकी, हम तो बिन हथियार है फिर भी बोलो कैसे लड़ना है, हर हाल में हम तैयार है, हर हाल में हम तैयार है, और जो ये तोड़ने वाली साजिश की जा रही है, अरे चीटिंग कर कर जीतने वालों खेल में बाधा मत डालो, चीटिंग कर कर जीतने वालों खेल में बाधा मत डालो, नहीं मिलता पैसे से सब कुछ मेहनत की आदत पालो, आप तो हो महलों के राजा, आप तो हो महलों के राजा, इधर किसान का लाल है, तुम बोलो कैसे लड़ना, हाल में हम तैयार है, हर हाल में हम तैयार है, और अंत में कहूंगा प्यार से तुमको खत भेजा है उसको कानों में डालो, प्यार से तुमको खत भेजा है उसको कानों में डालो, देश का युवा जाग चुका है, अगर प्यारो तोड़ लगा लो, अगर प्यारो तोड़ लगा लो, वतन परवर मिटने खातिर हर युवा तैयार है, तुम बोलो कैसे लड़ना, हर हाल में हम तैयार है, हर हाल में हम तैयार है, भारत माता की। भैया भाई अब हमारे बीच में एक बहन अपने विचार रखेगी, 2 मिनट सारे भाई सहयोग करियो, भैया भैया दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे भाइयों पर, दूसरी तरफ जो फ्रीज वन लाइन है वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि पॉलिटिकल पार्टी के उस देश की आवाज हो, मैं बता रहा दोस्तों बिना कुछ देखे सिर्फ एसएससी की तरफ अभी अपनी भीख मांग वाली मत दे यार, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा तेरे को, अपनी भीख मांगती है तो कभी अपने हक के लिए लड़ने को तैयार होती है, मैं आवाज हूं आवाज बंद कर दिया, बता यार मैंने कई लोग अभी मैंने लोगों को बताया कि वहाँ पे लाठी चार्ज हो गया है, इसकी आवाज बंद हो गई, 3 बजने वाले हैं दोस्तों, 3 बजे यहाँ से सब उठ जाएंगे, अपनी तैयारी में जल्दी 15 मिनट रह गए, दूसरे इन पर तो लिया भाई, इन पर तो लिया तो गए थे
एक को बोलने का बारी बारी से बोलो चला फ्री जोन तो वहाँ पर रोल क्या है भैया आई हेलो आई एसएससी अरे भाई बोलना यार ओ पुराना अरे पुराना मत भैया अरे भैया अरे आज तो देखो भाई ले यार क्या पीएगा कृपया कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करें चाहे कुछ भी हो जाए और लास्ट में हमें क्या मिलता है जो साइड में बंदा बैठता है ना वो पास हो जाता है बिना कुछ मेहनत करे हम हर बार दो या तीन नंबरों से रह जाते हैं समझ नहीं आता अपनी लाचारी पर रोए या अपने जुनून पर हंसे वो एक गांधी थे ना जिसने आधे नंगे फकीर ने इस देश का भविष्य बदल दिया था यहाँ आज सैकड़ों गांधी हैं यहाँ आज सैकड़ों फकीर हैं चलाइए लाठियां और मारिए बंदूकें आज या तो इंसाफ चलेगा या इस देश का हर एक युवा चलेगा हमको नहीं लगता कि 1974 में जेपी का जो आंदोलन हुआ था उन्होंने कहा कि
जनता आती है कि सिंहासन खाली करो और इंदिरा गांधी की सरकार डोल गई और हम लड़के रात रात भर ट्रेन में खड़ा हो गए, बिहार से, जयपुर से, राजस्थान से, अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई बच्चा अपने गार्जियन को नहीं बताया है, कोई अपने से मैनेज कर रहा है, बहुत कष्ट करके आया है। हम कहेंगे कि मेरे आंदोलन में चूक हुई है, हम लोगों के आंदोलन में यहाँ आंदोलन में आया तो 9 बजे शुरू हो चुकी थी, सुबह में मैं सुबह उतरा 8 बजे और यहाँ 9:30 पहुँच गया, लेकिन मैंने देखा कि आंदोलन को सही दिशा और सही चीज कोई नहीं देने वाला है। सही मुद्दा हम लोगों की मांगे थी कि सीबीआई जांच हो, ये हाथ में मेरे पास पड़ा है, मेमोरेंडम है इसका, कि 8-9 मांगे हैं जो जांच हो। सरकार नहीं सुनती है, सरकार बहरी होती है, प्रशासन हो, सिस्टम हो, सब जो है भाई सरकार की मदद करती है। कल हम भी जॉब में आ जाएंगे, कल आप भी जॉब में आ जाइएगा, आप वही करिएगा जो सरकार करेगी, नॉट की डीसीपी साहब का चाहेंगे वो सरकार करेगी, सरकार आदेश देती है वैसे करके किसी भी पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आंदोलन यहाँ से निकलता है मित्रों, तो आंदोलन मीडिया कर्मी रहेंगे, सब रहेंगे, एक ऐसा आंदोलन निकालो, एक ऐसा सब आंदोलन निकालो, बहुत सारे होंगे उग्र प्रवृत्ति के। हम युवा में जोश होता है, होश नहीं होता है, लेकिन हमको जोश नहीं होश का परिचय देना है और ये आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। कोई लड़का आप चलिएगा यहाँ से, आंदोलन चलेगी तो देखिएगा बहुत सारे हमारे भाई हैं उग्र प्रवृत्ति के हैं, उनको तोड़ फोड़ नहीं करना है। जब आपका आंदोलन अहिंसात्मक हो जाएगा, आपका आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा, न तो सरकार तक मांग पहुंच पाएगी और न हम कल मीडिया कर्मी भी दिखाएगा कि आंदोलन अहिंसात्मक हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग 29-30 दिन से आंदोलन करना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हम सब पेपर पढ़ते हैं, अभी बिहार एसआई में हुआ, पेपर आउट था, 8 दिन आंदोलन मार्च चला, याचिका दायर किया है पटना के लड़कों ने 500 रुपया देके। आप पढ़ते होइएगा एमपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 15 क्वेश्चन गलती आता है, क्या बताइए जो डीएसपी बनेगा, जो एसपी रैंक का अधिकारी बनेगा उसका। छत्तीसगढ़ की अभी मुद्दा थी, वहां जो है छत्तीसगढ़ के मुद्दा में 1 से 76 तक का ऑप्शन ये था। तो हम लोग भिन्न भिन्न है, आक्रोश आंदोलन हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा आंदोलन कभी पैदा होगा, इसलिए भाइयों हम सब जब आंदोलन करने चलेंगे तो हिंसात्मक रूप से चलेंगे, अपनी मांग रखेंगे, प्रशासन की तरफ से अगर कोई हिदायत आएगा नारेबाजी करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे, इस तरह का करेंगे, हम प्रशासन के बातों का उल्लंघन करके और लाठीचार्ज करके आंदोलन को तीतर बीतर नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति में जो सरकार चाहेगी, प्रशासन चाहेगी, आपको उकसाए, आपका डंका चार्ज करे, आपके आंदोलन का रास्ता बिगाड़ दे, है ना। 2:03 बज गए, मैं पूछता हूँ स्पोर्ट कमेटी से, मैं अपने आप से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, भाषणबाजी, माइक पर आके हम भाषण दे दिए, हम वक्ता बन गए, हम वक्ता बनने नहीं आए हैं भाई। सही बात, सही बात, चलो मार्च के लिए हम हल्ला बोल का नारा करने आए हैं। तो चिल्लाने ट्विटर है, ट्विटर पर पीएमओ के मैसेज करने से कुछ नहीं होता है, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करने से कुछ नहीं होता है। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ ये सब नहीं कीजिए, सिस्टम से चले, आंदोलन करें और सरकार को मजबूर करा दे कि आप हमारी आंदोलन को माने और वो आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए, अहिंसात्मक हल्ला बोल होना चाहिए, उग्रवाद उग्र प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। कॉर्डलेस माइक अगर किसी की जेब में चला गया हो, क्योंकि उनके 4 कॉर्डलेस माइक के 3 थे जिसमें से 2 गायब है, सिर्फ 1 ही बचा हुआ है, कृपया अगर किसी के साथ किसी साथी के पास कॉर्डलेस माइक है तो यहाँ दे दीजिएगा, सामने किसी बच्चे के पास दे दीजिएगा। अपनी जमीन अपनी आसमा पैदा कर, अपनी जमीन अपनी आसमा पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, मंजिलें मांगने से नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने हर एक कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर। आंदोलन को सफल बनाएंगे, क्योंकि 18 दिन हो गए हैं, 19वां दिन है,
नहीं आया है अभी अभी दिल्ली पुलिस भाई नहीं आ रहा पटेल भाई दस मिनट में लिखित में दिया होगा उन्होंने डीओपीटी भेज दिया है। दूसरी बात आईबी के थ्रू उन्होंने मैसेज दे दिया कि यहाँ पर बहुत भारी तादाद में लोग बच्चे पहुंचे हुए हैं तो इसका दूसरा चलो भाई यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा। ए होश में रहो भाई होश में रहो रिजल्ट लेके ही सिस्टम साउंड सिस्टम खराब हो जाएगा। साउंड सिस्टम के ऊपर पानी की थैली आ रही है कृपया कर समझिए साउंड सिस्टम खराब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप अपने साथी को सुनिए क्या कर रहे हैं आपको मालूम है। एक बात की और सूचना देता हूँ आपको अगर आप सुनना चाहें तो सुनना चाहेंगे मेरी एक लाइन सुनिए। जब पहले दिन बच्चे आपके साथी जो 14-15 या 20 साथी एसएससी के बाहर बैठे थे 14-15 साथी जब उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला कि कोई आ जाइए जब पहले दिन था कि बोला गया कि कोई तो आकर कम से कम हमारा साथ दीजिए तब पहली बार उस दिन योगेंद्र यादव जी रात को पहुंचे थे बच्चों पे लाठीचार्ज न हो जाए आपको इस बात पर मालूम है। पर कोई बात नहीं ना। पहले दिन हम लोगों ने वहाँ पर आपके लिए दरी का इंतजाम करा जो कि हरे रंग की दरिया थी जिसको के पुलिस के द्वारा मारा गया पीटा गया उन लोगों को उसके बाद हम लोग करते रहे। आज का भी ये प्रोग्राम हम लोगों ने आपके लिए करा परमिशन लिया था रात को 10:30 बजे जाकर के परमिशन नहीं मिल रही थी शांतिपूर्वक रहने चलो भाई चलो भाई ये पुराना वीडियो नहीं है अभी ये लाइव है बता आपको क्या दिखाऊं मैं ये बताओ सबको रोक रखे हमारे भी ऐसा रुके हुए पर हम अब नहीं रुकने वाले तैयार हो ना चलो 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 उन बच्चों का साथ दो चलो दोस्तों चलो चलो भाई चलो देखो दोस्तों देखो ये बच्चे यहाँ से जा रहे हैं देखो दोस्तों देखो जल्दी से शेयर कर दो इसको लाइक कर दो इसको चलो चलो देखो दोस्तों देखो हम आपके साथ लाइव रहेंगे शेयर करो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों इसको देखो सब बच्चे जा रहे हैं देखो शेयर करो दोस्तों देखो सभी बच्चे संसद मार्च के लिए जा रहे हैं दूसरे बच्चों का साथ देने के लिए चलो भाई चलो
देखो दोस्तों इनको क्या हुआ, ये वापस बैठने के लिए जा रहे हैं, देखो ये क्या हो रहा है। पता नहीं दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, कभी ये बोल रहे हैं चलो, कभी बोल रहे हैं नहीं चलो। मैं इसने बहुत परेशान आ चुका हूँ, आप मुझे सब ये बताओ कि वो कहाँ पर हैं। एक घंटा इंतजार कर लिया और क्या कर रहे हैं। दोस्तों शांति से प्रोटेस्ट को चलो रे, पता नहीं दोस्तों इन बच्चों को क्या है, क्या सोच रहे हैं ये लड़कियां। हम कोई वहाँ दंगा करने थोड़ा जा रहे हैं, हम केवल प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं शांति के साथ। चलो रे भाइयों चलो, आड़े का तो खड़े हो गए। शांति से प्रोटेस्ट करो दोस्तों वहां जाके, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। चलो दोस्तों प्रोटेस्ट केवल शांति से होना चाहिए, तभी हम अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं। चलो चलो उन दूसरे बच्चों का साथ दो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ सके। और जो भी यहाँ पहुंच सकता पहुंचने की कोशिश करो, मुखर्जी नगर लाइब्रेरी में बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे चलो यार कुछ ना हो भाई, चलो देखते हैं दोस्तों ये सभी जाते हैं या नहीं, या कहाँ जाते हैं। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब संसद मार्ग पहुँचे, जो दूसरे बच्चे गए उनका साथ दो। हम अपनी मांगे शांति से कर रहे हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। शांति के साथ करो दोस्तों, शांति के साथ चलो, हम केवल Yeah.
चलो